अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो एच वी एस सी से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के बैरिंग कैसे तब्दील करते हैं। दोस्तों, थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर आपको पता है कि एच वी एस सी सिस्टम में एक अहम पार्ट है। एच वी एस सी सिस्टम में ये इलेक्ट्रिकल तवानाई को मैकेनिकल तवानाई में तब्दील करने के लिए ये पंप मोटर्स इस्तेमाल की जाती हैं, थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर। तो आज हम इसके बैरिंग तब्दील करेंगे, 60 एचपी इसकी कैपेसिटी है। तो चले दोस्तों, देखते हैं इसके बैरिंग कैसे तब्दील करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में उसका मैसेज मिल जाए और आप तक वीडियो हमारी आसानी तक पहुँच जाए। चलो दोस्तों, देखते हैं इसके बैरिंग कैसे तब्दील करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये कपलिंग आगे वाला इसके जो पार्ट्स है वो मूव हो रहा है और जो इसके पीछे वाला पार्ट्स है वो बैरिंग की वजह से जाम होने की वजह से वो मूव नहीं हो रहा। तो हम ये सबसे पहले इसके जो बोल्ट इसको पीछे करेंगे। उसके साथ आप ये देख रहे हैं इसके ये नीचे बोल्ट हैं, चार फाउंडेशन के बोल्ट हैं जो इसके हम वो खोलेंगे। फाउंडेशन बोल्ट खोल के हम इसको पीछे करेंगे मोटर को। उसके बाद हम इसके इलेक्ट्रिकल टर्मिनल वगैरह नहीं खोलेंगे क्योंकि ये हम इसको थोड़ा सा मूव करके बाहर निकाल लेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस पर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पर इसके जो बैक कवर है, सबसे पहले हम उसको खोलने के लिए ये ऊपर इसके ये आप देख रहे हैं ये इस जगह पर और इस जगह पर इसके नट लगे हुए हैं, हम इनको खोलेंगे नट बोल्ट्स। तो ये आप देख रहे हैं नट, इसको खोल के पेज को स्क्रू खोल के इसको हम कवर को उतार लिया। अब इसके नीचे फ़ैन लगा हुआ है, इसको फ़ैन के फ़ैन इसका लॉक है, हम फ़ैन को खोलेंगे। ये आप देख रहे हैं ये लॉक इस जगह पे होगा जो इस फ़ैन को बाहर नहीं आने देता। तो अब हम इस फ़ैन को खोलेंगे। इन नट बोल्ट्स को खोलने की ज़रूरत नहीं है जो बॉडी के साथ हैं। अब हम इसके फ़ैन को खोलेंगे, इसका जो लॉक है ये वाला लॉक हम इसका खोल के तो फ़ैन को हम बाहर निकालेंगे। ये हमने लॉक खोल लिया, अब हम इसका फ़ैन को बाहर खींचेंगे। फ़ैन को बाहर खींच के बड़ी एहतियात से, ये प्लास्टिक का फ़ैन अगर है तो बहुत एहतियात से उतारना, ये टूट ना जाए, डैमेज ना हो। अब हम ये वाले जो बोल्ट है हम ये बोल्ट खोलेंगे, इसके ये बोल्ट खोल के हम इसकी जो ये बैरिंग प्लेट होती है, हमें असल में इसका नंबर भी चाहिए बैरिंग का। तो हम सबसे पहले इसके ये प्लेट खोल रहे हैं, उसके बाद हम इसकी कार्टर जो इसकी फ़ैन की कार्टर पिन वगैरह होगी वो हम वो खोलेंगे। ये हम बोल्ट खोल लेते हैं इसके। ये असल में ग्रीस जो बैरिंग की ग्रीसिंग होती है ये उसके लिए प्लेट भी इस्तेमाल की जाती है। जो इसके ऊपर नोज़ल लगी होगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ग्रीस को बाहर आने से ये रोकती है ये प्लेट। इसके अंदर बैरिंग मूव होता है इस प्लेट के अंदर। अब हम इसकी जो कार्टर है वो उतारेंगे जो फ़ैन को घुमाने में मदद देती है, जो फ़ैन मूवमेंट के लिए कार्टर पिन वगैरह लॉक समझ ले, फ़ैन लॉक वगैरह उसका। ये इसकी सील है, यहाँ पे सील भी होती है, सील इसकी डैमेज हो चुकी है, हम इसकी सील भी चेंज करेंगे जिसकी वजह से ये ग्रीस वगैरह बाहर आई हुई है। तो अब हम इसकी जो कार्टर है वो उतार लेते हैं। ये हम इसकी कार्टर पिन इसको उतारेंगे। जब हम इसकी कार्टर तकरीबन उतार चुके हैं, अब हम इसकी कार्टर को उतार के अब हम इसकी जो प्लेट है वो उतार रहे हैं। इसके बैरिंग के नंबर को देखते हैं, अगर तो बैरिंग का नंबर सामने की साइड भी होगा तो वो हमें नज़र आ जाएगा, वरना हमें इसको फिर बाहर निकाल के ही इसके बैरिंग का नंबर मिलेंगे। मेरे ख्याल में बैरिंग का जो नंबर है वो इस साइड पर नहीं है, इसके इंटरनल साइड भी बैरिंग का नंबर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको फिर आगे से इसकी आगे की प्लेट इसकी जो है वो खोलते हैं, जो आगे वाला हिस्सा है इसका। यहाँ से हमें इसके बैरिंग का नंबर नज़र नहीं आया। तो अब हम ये देख रहे हैं, अब ये मूव नहीं हो रही है, जाम है बिल्कुल, इसके जो बैरिंग हैं वो बिल्कुल ही जाम हो चुके हैं, जो बिल्कुल ही मूव नहीं हो रहे। तो अब हम इसको जो आगे की साइड से खोलेंगे, फ्रंट साइड से खोल के इसका कवर है ये आप देख रहे हैं, इसके हम अब हम इसके ये जो बोल्ट लगे हैं इसकी कपलिंग उतारेंगे।
कपलिंग के उतारने के लिए आप देख रहे हैं शाफ्ट बोल्ट जो इसके एल की बोल्ट वगैरह होगा या फिर दूसरा बोल्ट होगा, इसको उतार के खोलेंगे। कंप्लास से खोल लेते हैं, अभी इतना टाइट नहीं है ये बोल्ट। इसकी अब हम कपलिंग उतारेंगे। ये अब देखें हमने इसको निशान लगा लिया, इसकी जो सेटिंग थी हमें ताकि बाद में इसका टाइम वेस्ट होने से बेहतर है कि आप इस पर निशान वगैरह लगा लें, नहीं तो फिर आपको दोबारा इसकी सारी सेटिंग करना पड़ेगी। तो अब हम इसको उतार रहे हैं तो बड़ी त्यार से ऐसा ऐसा से इसको आप अगर हैमरिंग करेंगे ऐसा ऐसा से तो ये आराम से बाहर आ जाएगा किसी कपलिंग। दोस्तों आपको ये इंडक्शन मोटर के बारे में साथ साथ थोड़ा थोड़ा बहुत बताता जाऊँ, इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो रोटेशन में होती है, इसलिए इसमें जो ये सेल्फ स्टार्ट मोटर भी कहलाती है। तो जैसे ही हम इसके इसमें जो करंट की सप्लाई ऑन करते हैं तो ये इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो रोटेशन में बनेगी, तो ये घूमना शुरू कर देती है, और जैसे ही हम इसके जो मेन सप्लाई है इसको बंद करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं अब इसकी जो कपलिंग है वो तकरीबन उतर चुकी है। अब हम इसके जो प्लेट है जो फ्रंट की प्लेट है इसकी सर्विस प्लेट भी, इसको सरफेस प्लेट भी कहते हैं, वो भी हम खोलेंगे इसके। अब इसके बाद हम इसकी जो फ्रंट की कार्टर वगैरह है हम वो खोलेंगे ताकि जो हमारी फ्रंट की प्लेट वगैरह है या इसको हम नट बोल्ट खोल के उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो सब हम इसकी जो कार्टर है उसको खोलेंगे, तारेंगे ये हम एक फ्रंट से इसको अगर हम फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से अगर हम इसको हल्का हल्का उठाएंगे तो ये कार्टर बाहर निकल आती है। ये देखें ये कार्टर हमारी जो वो बाहर आ गए। अब हम इसके जो बोल्ट हैं इसके जो फ्रंट के बड़ी प्लेट के उनको उतारेंगे। ये प्लेट हम सिर्फ इसलिए खोल रहे हैं कि हमें जो बैरिंग के नंबर वगैरह नज़र आ जाए, क्योंकि हमने इसको परचेज़ करना है तो स्टोर से मंगवाने हैं तो उसके लिए हम नंबर की कोशिश करें, इसलिए हम ये प्लेट भी उतारेंगे फ्रंट की। कितनी देर में अगर हमारा काम लेट ना हो हम नंबर इतनी देर से हम उसकी परचेजिंग वगैरह कर लें। तो दोस्तों ये प्लेट वैसे भी हम बाहर निकाल के भी उतार सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर इसको उतार लें। तो हम ये बोल्ट खोलते हैं, ये आप देख रहे हैं ये वाले बोल्ट इसमें ये तीन बोल्ट लगे होंगे वो खोलते हैं। दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, लेकिन मेरा ये वीडियो लंबी बनाने का मकसद सिर्फ ये मकसद था कि हम आपको प्रॉपर इसकी जो है सारी चीज़ें दिखाएं इसमें, ताकि कल को आपको अगर आपने कहीं पे ओवरहॉलिंग मोटर की करनी है तो आपको हर चीज़ का पहले से पता हो। तो इस वजह से हमने इसमें हर चीज़ जो मेन वर्किंग है वो सारी इस वीडियो में हमने दिखाई है आपको। हम इसकी प्लेट खोल लेते हैं, फ्रंट की जो प्लेट है हम उसको खोल रहे हैं। तकरीबन चार बोल्ट होंगे, ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, एक दो टॉप पे होंगे और दो इसके बॉटम के मोटर के। ये जो दोस्तों ये इसको ये कूलिंग के लिए ये मोटर के ऊपर जहाँ पे भी मोटर होगी उसके आप ऊपर देख रहे हैं ये बने होंगे, ये कूलिंग के लिए बना होता है मोटर के ऊपर। जो फैन पीछे से हवा को सक्शन करता है वो ये आप देख रहे हैं मोटर के ऊपर ये लाइनें सी बनी हैं, ये एयर कूलिंग के लिए इसका है कि मोटर को ठंडा करने के लिए एयर यहाँ से गुजरे। तो अब हम इसके जो नीचे वाले बोल्ट है वो खोलेंगे।
तो अब हम थोड़ी देर तक इंशाल्लाह इसको रूटर को स्टेटर से बाहर निकालें, मोटर से बाहर निकालेंगे, तो इंशाल्लाह आपके सामने सारे इसके बैरिंग वगैरह चेंज करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम नीचे से इसके बोल्ट खोल रहे हैं, ऊपर वाले हमने खोल लिए, हम ये नीचे से इसके बोल्ट खोलेंगे। मोटर असल में इसमें जो बैरिंग वगैरह चेंज होते हैं, ख़राब होते हैं, वो इस वजह से ज़्यादातर होते हैं, इसमें जो ग्रीसिंग है वो टाइम पे नहीं होती, तो वो हीट अप होके वो बैरिंग जाम हो जाते हैं। अब हमने तकरीबन इसके जो वो बोल्ट खोले हैं, हमें इस प्लेट को ऐसा ऐसा हटाने के लिए हम एक स्क्रू फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे। तो इसको बड़ी एहतियात से बाहर निकालना है रूटर को, कि कहीं इसकी वाइंडिंग वगैरह डैमेज ना हो जाए। तो इस सिलसिले में हमने इसमें एक बेल्ट उठाया, बेल्ट की मदद से हम रूटर को उठाएंगे और आगे से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से बाहर खींचेंगे। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, अब हम इसके रूटर को बाहर निकाल चुके हैं तकरीबन, इसको बड़ी एहतियात से एंड पे कि ये वाइंडिंग के ऊपर ना गिरे, अब हम इसको रूटर को बाहर निकालेंगे। निकाल के अब हम इसको खुली जगह पे ले जाएंगे, जहाँ पे इसके हम इसके बैरिंग वगैरह इसको सारा चेंज करेंगे, इसको सफाई, इसकी मेंटेनेंस जो भी है इसमें रिक्वायर्ड वो आपके सामने करेंगे। तो दोस्तों अब ये आपके सामने रूटर आ चुका है, इसके जो बैरिंग के नंबर हैं वो इसके इंटरनल साइड पे हैं, तो हमें जब तक हम बाहर इससे नहीं निकाल सकते तो हमें बैरिंग के नंबर नहीं नज़र आएंगे। तो कोशिश की है जब भी आप बैरिंग वगैरह फिट कर रहे हैं तो वो मोटर के आउटसाइड के उसके नंबर वगैरह हों, इससे हमने नंबर तो वैसे मिल गया है इसका। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इस जगह पे इसका नंबर लिखा हुआ है, हमने नंबर इसको ढूंढ लिया इसका, ये आप देख रहे हैं। तो अब हम इसके लॉक को खोलेंगे बैरिंग के, जो बैरिंग को पकड़ के इसको अपनी जगह पे रखता है, इस लॉक को हम उतारेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इस जगह पे लॉक है इसका, बैरिंग का लॉक है। तो अब हम इसके लॉक को खोल के पुलर की मदद से बैरिंग को हम इसको बाहर निकालेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ी एहतियात से हमारे पास ज़रा, अब इसको ये आप हमारे देख रहे हैं कि हमने इसका लॉक है वो बाहर निकाल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं लॉक, बैरिंग का जो लॉक है वो अब तकरीबन खुल गया। अब हम इसको बाहर निकाल के इसके बैरिंग को पुलर की मदद से हम बाहर निकालेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये वाला ये लॉक होगा इसका बैरिंग लॉक। ये आप देखें, ये इसका बैरिंग लॉक है। तो अब हम इसको दोस्तों पुलर की मदद से अब हम इसके बैरिंग निकाल रहे हैं। तो पुलर हमने पुलर की मदद से बैरिंग को बाहर खींचेंगे शाफ्ट के ऊपर रख के। तो ये आप देख रहे हैं, हम पुलर की मदद से, एक स्क्रू रेंच है हमारे पास बड़ा, एक बड़ा पुलर है, तो हम पुलर की मदद से इसके बैरिंग को बाहर खींच रहे हैं। अगर आप हथौड़ी की मदद से इसको निकालेंगे बैरिंग वगैरह को बाहर, तो आपके वो शाफ्ट है जो रूटर शाफ्ट है वो डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए कोशिश की है कि पुलर की मदद से ही बैरिंग को बाहर खींचा जाए, इससे आपकी जो शाफ्ट होगी वो डैमेज नहीं होगी। दोस्तों अब हम इसकी एक तकरीबन बैरिंग बाहर निकाल लिया, ये आप देख रहे हैं बैरिंग बाहर आ चुका है। अब हम इसमें दूसरे जो दूसरी साइड इसको, अब हम दूसरा भी इसी तरह आपने बैरिंग निकालना है। अब हम इसकी जो ये सर्विस कर रहे हैं, ग्रीस वगैरह इसकी साफ़ कर रहे हैं, सारे जो भी इसके जो पार्ट्स हैं अब हम इनकी सर्विस करेंगे। ये हम एक्चुअली डीजल से इसकी सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीसिंग वगैरह, ऑयलिंग वगैरह काफ़ी इस पर डस्ट वगैरह है,
तो अब हम इसको प्रॉपर साफ़ करके इसकी सील भी चेंज करेंगे, उस पर जो सारा प्लेटों वगैरह की सील वगैरह भी चेंज करेंगे। तो अब हम रोटर वगैरह की बड़ी अच्छे तरीके से सफाई करनी है, इनकी जो प्लेटें हैं ये भी उतार के हम इनकी भी सफाई करेंगे, और ये बैक कवर है मोटर का, अब हम इसको भी, फ्रंट का कवर है सॉरी, तो अब हम इसकी भी सर्विस कर रहे हैं। ये हम डीज़ल से इसलिए इसकी सर्विस कर रहे हैं कि ये जो ग्रीस वगैरह ऑयलिंग वगैरह इसमें ये डीज़ल से साफ़ हो जाती है। तो अब हम इसको सॉरी डीज़ल से सर्विस करके इसके जो चीज़ें इससे फ़ैन वगैरह होगा प्लास्टिक फ़ैन वगैरह उनको हम पानी वगैरह से सर्विस कर लेंगे, लेकिन जो ये मोटर के पार्ट्स हैं मेन पार्ट्स हम उनको डीज़ल से सर्विस करेंगे। तो इनको हम अच्छी तरह सर्विस करके, ये अब हम इसकी सील को बाहर निकाल रहे हैं। ये सील है जो ग्रीस वगैरह को बाहर आने से रोकती है। ये असल में इस सील का इस्तेमाल जो हम बैरिंग्स को ग्रीस करते हैं, तो ये सील उनको स्टॉप जो इसको ग्रीस को बाहर आने से रोकेगी, ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों अब हम इसके सील का नंबर देखेंगे, वो सील का नंबर मिल गया। अब हम इसकी जो सील नहीं होगी वो इसमें लगा के तो ये हम दोबारा फिट करेंगे। अब हम रूटर की सफाई करेंगे अच्छे तरीके से। रूटर की जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ यही मेंटेनेंस है, उसमें इसकी जो वाइंडिंग है वो सील्ड वेल्डिंग होती है, वाइंडिंग होती है सारी। तो इसमें हम इसको अच्छी तरह से इसको सर्विस करके इसको सैंड पेपर रेगमार वगैरह से इसको हम सारी फिनिशिंग करेंगे रूटर की। इससे जो ग्रीस वगैरह जो जम चुकी है इसमें गर्म हीटअप होके उसको साफ़ करके हम बड़े अच्छे तरीके से हम इसको करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसके रोटर की सफाई कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ये जो वो ग्रीस जम चुकी है इस पर जो हीट अप होके इस रोटर पे आई है और वो इस पर हीट होके इस पर जम चुकी है ग्रीस। तो अब हम इसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं जितनी भी है इसमें बेहतरीन से सफाई हो, अच्छी तरीके से सफाई हो सके। अब हम इसकी सफाई करके तो इस पर हम नए बैरिंग भी लगाएंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा फिटिंग के लिए रेडी करेंगे। हमने इसमें ये प्लेट लगा दी है जो इसके इंटरनल प्लेट है, बैरिंग इंटरनल प्लेट बैरिंग को दो प्लेटें कवर करती हैं, एक इसकी जो अंदर की साइड होती है मोटर के, एक जो बाहर की साइड के, इसके अंदर एक बैरिंग होगा तो बैरिंग की जो ग्रीस वगैरह होगी वो इन दो प्लेटों के साथ। अब हम दोस्तों जो इसका बैक कवर और इसका फ़ैन है अब हम इसको पानी के हाई प्रेशर से वॉश करेंगे, जो इसमें डस्ट वगैरह जो ओपन एरिया से इसमें एयर आती है उसके साथ जो डस्ट होगी वो यहाँ पर आ जाती सारी। अब हम इसको सर्विस कर रहे हैं, फ़ैन को भी सर्विस कर रहे हैं, उसके जो बैक कवर है मोटर का अब हम इसको सर्विस करके अच्छे तरीके से। इसको हमने अभी कोई चीज़ बस सिंपल पानी सादा पानी से धो रहे हैं। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से धोना चाहते हैं तो कोई आप सर्फ वगैरह या इसमें जो भी आप बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतनी गंदी नहीं थी, इतनी अच्छी कंडीशन इसकी इतनी बुरी नहीं थी जिस वजह से हम इसको सादा पानी से ही सर्विस करें। अब हमारी जो इसकी सर्विस है जो ओवरहॉलिंग वगैरह इसकी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, इस पर अब हम सील वगैरह वो इसके बाद हम सील वगैरह, ये आप देख रहे हैं इसका जो सील का हमारे पास सील बड़ी लेकिन उसमें ये स्प्रिंग टूटा हुआ है। अब इसका स्प्रिंग हम दूसरे सील से निकाल के इस सील में जो इस साइज़ की है हम इसमें लगा देंगे, ये आप देख रहे हैं। ये हमने इसमें सील जो इसकी ग्रीस के लिए सीलिंग है इसको हम फिट करेंगे इसके जो बैक कवर है। ये सील डिफरेंट साइज़ की होती है, इनके ऊपर नंबर होते हैं जो इसकी
इंटरनल डायाग्राम और एक्सटर्नल डायाग्राम और इसकी जो विड्थ है, इसकी मोटाई है, ये सारे साइज इसके ऊपर लिखे होते हैं जो भी हो गया। अब इसकी जो मोटर है तकरीबन उसकी भी सफाई वगैरह कर चुके हैं, इसकी चेक करना है इसमें कहीं पे डैमेज वगैरह तो नहीं है अंदर से। उसके बाद इसकी जो वाइंडिंग वगैरह है वो भी ठीक कंडीशन में है, जली जुली तो नहीं है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जो स्प्रे होती है वो भी है, उससे सफाई कर सकते हैं आप। उसके बाद हमें इसके लैंप की ज़रूरत पड़ सकती है इसको खुश करने के लिए। तो लेकिन अभी हमारी ये सिर्फ बैरिंग चेंज की थी वीडियो, तो इसलिए हम इसको सिर्फ बैरिंग पे फोकस करेंगे। इसके जो बैक से भी अगर हम डीजल से सर्विस कर सकते हैं तो हम इसका जो बैक साइड है, ये अब हम इसकी जो सील है जो मैंने ग्रीसिंग के लिए दिखाई थी, अब हम इस सील को फिट करके, तो ये बड़ी त्याज से सील डैमेज ना हो, ये आराम से फिटिंग होनी चाहिए इसकी। तो अब हम इसकी जो सील है उसको फिट करके उसके बाद हम रूटर पे जो इसको रूटर पे दोबारा बैरिंग वगैरह इंस्टॉल करेंगे। अब हम इसको सैंड पेपर या रेगमार वगैरह इसको कहते हैं, अब हम इसको इसके साथ इसकी अच्छी तरह सफाई करके अब हम इसमें बैरिंग लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें, ये आप देख रहे हैं दोनों साइडों पे रूटर के, क्योंकि जो मोटर है उसमें ये मूवेबल पार्ट इसका रोटर ही है, तो इसको हम अच्छी तरीके से इसकी सफाई करेंगे। इसके बैरिंग मूवेबल पार्ट के लिए जो अहम पार्ट है, तो ये मूवेबल पार्ट के तौर पे बैरिंग जो इस्तेमाल होते हैं इसमें। अब हम इसके जो तकरीबन रोटर की इसका सफाई भी कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम इसमें जो बैरिंग लगाने वाले हैं, जो बैरिंग लगाएंगे इसमें सेम उसी साइज़ के जो बैरिंग हमने मंगवाए हैं, तो अब हम दोनों साइडों पे बैरिंग इसमें लगा के तो उनकी फिटिंग करेंगे। दोस्तों अब हम इसके ऊपर बैरिंग को, नीचे बैरिंग की जो प्लेट है उसको हमने रख लिया, अब हम इसके ऊपर बैरिंग को रख के इसको ऐसा ऐसा इसके फिटिंग करेंगे। इसको आपने बैलेंस रख के तो बैरिंग को फिर आपने इसमें करना है, थोड़ा सा अगर इसमें फ़र्क होगा तो वो बैरिंग आपका नहीं इसमें लगेगा। इसको आपने बराबर रख के तो फिर आप इसको अगर इसमें फिटिंग करेंगे तो आपको आसानी से ये बैरिंग फिट हो जाएगा और आपकी शाफ्ट वगैरह को भी डैमेज नहीं होगा। तो अब हम इसमें बैरिंग को लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी जो दूसरी साइड है उस बैरिंग को भी हम लगा के तो इसकी जो बाकी फिटिंग है वो भी हम बाहर ही कर लेंगे। उसके बाद हम बैक साइड से सिर्फ इसको लगा के जो बैक की फिटिंग होगी वो हम मोटर में फिटिंग के बाद लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा तकरीबन बैरिंग बैठने वाला है अपनी जगह पे आके, उसके बाद हम इसको ये बैरिंग इसका ये लगा दिया हमने इसमें बैरिंग। दोस्तों अब हम दूसरी साइड का बैरिंग भी इसमें लगाएंगे, जो बैरिंग हमने निकाला था ये आप देख रहे हैं, ये उसी नंबर का बैरिंग है। तो अब हम इसको जो इस साइड पे हम इसको बैरिंग लगाएंगे, इसकी पहले हम इसकी जो बैक प्लेट है उसको अच्छी तरह उसकी सफाई करके उसमें डस्ट वगैरह या पार्टिकल कुछ दूसरे पार्टिकल वगैरह ना हो, तो अब हम इसके जो पहले वो रखेंगे, उसके बाद हम इसमें जो बैरिंग है तो बैरिंग को हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसकी भी फिटिंग हम उसी तरीके से करेंगे, ये आराम से इसमें बैठ गया बैरिंग, ये आप देख रहे हैं इसकी पूरी फिटिंग इसकी हो जाएगी अभी। तो दोस्तों ये अब इसमें बैठ चुका है बैरिंग, अब हम इसके इसमें दोस्तों इसमें जो ग्रीसिंग वगैरह है हम इसको थोड़ी बहुत ग्रीस इसमें लगा लेंगे बैरिंग के, ताकि इसकी जो लुब्रिकेशन वगैरह
ग्रीस हम लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम इसकी जो ग्रीस वगैरह लगा के तो इसके हम फिटिंग करेंगे। एक साइड की हम फिटिंग जो होगी फ्रंट की मोटर की वो हम बाहर ही सारी कर लेंगे, और जो बैक साइड की फिटिंग है वो सारी सी बात है जब बैक से इसके जो मोटर की बॉडी से रोटर बाहर आएगा, फ़ैन वगैरह हम इसके बाद में फिट कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम इसके जो ऊपर वाला कवर रख के हम जो ऊपर इसकी प्लेट थी ये आप देख रहे हैं, ये नीचे वाली जो प्लेट और ऊपर वाली प्लेट इन दोनों के दरमियान में हमारा बैरिंग आ गया। ये आप देख रहे हैं नीचे से बोल्ट जो आ रहा है, ये बोल्ट हम जो ऊपर से इसके जो प्लेट में से गुजर के ये नीचे इस प्लेट के साथ फिक्स होगा। ये जो नोज़ल देख रहे हैं ये ग्रीसिंग के लिए नोज़ल होती है, ग्रीस गन के ज़रिए हम इसमें ग्रीसिंग वगैरह इसमें कर सकते हैं कि ये प्लेट के अंदर ग्रीस को कंप्लीट लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किया। अब हम इसकी जो क्वार्टर है वो भी लगा दिया, अब हम इसमें जो कपलिंग वगैरह वो भी हम इसमें लगा चुके हैं। तो अब हम इसको तकरीबन इसका जो फ्रंट पार्ट है वो हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको लेके जाएंगे मोटर में फिटिंग के लिए। तो अब हम इसके जो एलकी बोल्ट है हम वो लगाएंगे हम इसमें, ताकि जो कपलिंग को मूव होने आगे पीछे मूव होने से बचा सके। ये जो बोल्ट होता है इसका ये मकसद होता है, और जो क्वार्टर होती है वो इसको मूव होने क्वार्टर इसको मूव करेगी, और ये इसको आगे पीछे कपलिंग को होने से रोकता है ये जो एलकी बोल्ट होता है। दोस्तों अब हम इसको तकरीबन इसके बाद में हम इसकी फ़िटिंग एडजस्टमेंट वगैरह कर लेंगे, अब हम इसको लेके चलते हैं इसको मोटर की फ़िटिंग के लिए। तो अब हम इसको बड़ी एहतियात से ये डैमेज ना हो, इसकी प्लेट वगैरह बड़ी एहतियात से, और जब हमें इसको मोटर में इंसर्ट करना है रूटर को तो दोस्तों आपने इसको बड़ी एहतियात से डैमेज ना हो इसकी वाइंडिंग वगैरह, इसको बेल्ट आपने एक डाल लेना इसके रूटर को उठाने के लिए। तो इसको अब हम रूटर को उठा के हम इसके मोटर के अंदर फिटिंग के लिए लेके जा रहे हैं। तो बैरिंग को ऐसा ऐसा बैरिंग इतनी बेल्ट जो होगी आपने इतनी बड़ी डालनी है कि वो बाहर से जो प्लेट है उससे बाहर आ जाए। तो अब हम इसको बेल्ट को बेल्ट की मदद से उठाएंगे, एक दो लोग मिलके आप इसको आगे से उठा लें और एक लोग पीछे से। तो आप इसके रूटर को उठा के हम इसको वेंडिंग पे, इसकी फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, इसकी अगर वेंडिंग पे रगड़ होगी तो उसकी वजह से आपकी वेंडिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये अब हम इसकी बेल्ट को इसके फ्रंट से निकाल लेंगे बाहर। तो अब हम इसको देखेंगे जो हमने इसकी जो टॉप की निशान लगाया था उसको हम बिठा के बोल्ट को इसको आपने बिल्कुल सामने रख के, तो इसको हम इसको फिटिंग के तकरीबन करीब हैं। अब हम इसके जो बोल्ट लगा देंगे, उसके बाद हम इसकी जो कपलिंग की एडजस्टमेंट वगैरह वो थोड़ा सा टाइम लेगी कपलिंग की एडजस्टमेंट वगैरह। तो अब हम इसमें जो बोल्ट थे वो हम इसको लगा के मोटर को, और बैक साइड पे हम इसके जो प्लेट वगैरह अभी बैक साइड की प्लेट लगेगी, उसके बाद फिर हम उसके फ़ैन लगा के काटर लगा के फ़ैन लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं हमारी बैक पे हम इसको ग्रीस से लुब्रिकेट कर देते हैं, बाद में भी हमने नोज़ल से इसके जो डालनी ग्रीस वगैरह वो इसको मैनुअल तरीके से इसको डाल देते हैं पहले से। ये लुब्रिकेशन के लिए हम इसके इस्तेमाल कर रहे हैं मोटर के बैरिंग की। अब हम इसकी जो इसके बाद हम इसकी जो बैक प्लेट है वो आपको लगाएंगे, वो थोड़ी सी एहतियात से, क्योंकि जो अंदर की प्लेट है इसमें बोल्ट लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो बहुत एहतियात से इसको लगाना पड़ेंगे आपको बोल्ट वगैरह। अब देख रहे हैं बोल्ट हम जो इसके इंटरनल प्लेट्स के साथ बोल्ट लगा दिए हैं, अब हम इनको टाइट कर देंगे। उसके बाद हम ये फ्रंट के बोल्ट भी टाइट कर रहे हैं। ये अब देख रहे हैं हम इसके जो फ्रंट बॉडी है जो प्लेट हमने उतारी थी जिससे हमने रूटर को बाहर निकाला था वो भी हमने इसके बोल्ट टाइट कर दिए सारे। अब देख रहे हैं बिल्कुल हमारी जो बॉडी है वो सील हो चुकी है मोटर बॉडी, तो अब हम नीचे वाले बोल्ट इसके टाइट करेंगे।
अब हम इसके जो बैक की क्वार्टर वगैरह हमने वो लगा दी है, अब हम इसके ऊपर फ़ैन वगैरह को लगा के तो हमारी तकरीबन अब मोटर की जो फिटिंग है वो कंप्लीट होने वाली है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इसमें आपको हर चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि ये मोटर के बैरिंग थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर के बैरिंग कैसे तब्दील करते हैं। तो अब ये आप देखेंगे, अब हम इसके ऊपर फ़ैन लगाएंगे। ये फ़ैन पे जो दो सुराख हैं ये बेसिकली पुलर्स के लिए हैं, तो अगर आपका फ़ैन आराम से नहीं निकल रहा, बाहर नहीं आ रहा, तो हम इसको पुलर की मदद से भी बाहर खींच सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये कूलिंग पैड भी इसको कहते हैं जो मोटर का होता है, यहाँ से एयर आएगी, इस कूलिंग ये फ़ैन यहाँ से एयर को भेजेगा, तो ये इस घूमेगा फ़ैन, यहाँ से एयर आएगी, ये इस मोटर को ठंडा करती हुई इसमें रगड़ करेगी, फ्रैक्शन हीट लेगी मोटर की, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी वजह से मोटर गर्म होती है, हीट अप होती है। तो ये फ़ैन का मकसद है कि ये मोटर को ठंडा रखना। ये कूलिंग पैड, इसको चिल पैड भी कहते हैं, इसको जो मोटर के ऊपर बने होते हैं। तो अब हम इनकी भी थोड़ी बहुत सफाई कर लेंगे ताकि एयर आसानी से गुजर जाए। तो दोस्तों अब हम इसके जो लॉक लगाएंगे, फ़ैन लॉक वो हमने लगा दिए, बल्कि हम इसके फ़ैन लॉक को बड़ी एहतियात से लगाएंगे। फ़ैन हमने लगा दिया, अब हम इसके लॉक को लगाएंगे कि ये बाहर को ना आए फ़ैन और ये अपनी जगह पे मूव होता रहे। तो फ़ैन ये प्लास्टिक के फ़ैन होते हैं, कुछ मोटर्स में ये लोहे के भी होते हैं, लेकिन आपने एहतियात करनी है प्लास्टिक फ़ैन डैमेज ना हो जाए किसी किस्म का, वरना फिर वो प्रॉपर एयर एक तो शोर करेगी मोटर, फ़ैन शोर करेगा, और दूसरा वो एयर मोटर को भी प्रॉपर ठंडा नहीं करेगा। तो दोस्तों अब हम इसके जो बैक कवर को भी फिटिंग करेंगे, ये आप देख रहे हैं हमारी जो बैक फिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके जो बैक कवर को उसको लगाएंगे। दोस्तों अब हम इसके जो बैक कवर है उसको लगाते हैं। इसमें भी चार बोल्ट होंगे, छोटे साइज़ के बोल्ट हैं ये इसके कवर को इसमें फिट करने के लिए। ये आप देख रहे हैं, एक इस जगह पे लगेगा, उसके बाद एक यहाँ पे इसका बोल्ट होगा, और इसी तरह इसके दोनों साइडों पे नीचे भी बोल्ट होंगे। तो यहाँ से एयर सक्शन करेगा, जो एयर इसको मोटर को ठंडी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब हम इसके बोल्ट वगैरह लगा के इसको, तो अब हम इसको मोटर को फाउंडेशन पे भी फिटिंग करेंगे, सीधा करके मोटर को अपनी जगह पे ला के इसके फाउंडेशन पे हम इसको फाउंडेशन बोल्ट वगैरह लगा के इसको सेटिंग करेंगे, इसके लेवल वगैरह सेटिंग करेंगे। ये इसकी इंफॉर्मेशन प्लेट कहलाती है, जो इस पर सारे HP वगैरह लिखे होते हैं, और जो कितनी कैपेसिटी RPM वगैरह सारे इस मोटर के प्लेट के ऊपर लिखे होंगे। तो दोस्तों अब हम इसके जो बैक कवर हैं उसको हम फिट कर चुके हैं। अब हम इसकी जो मोटर की शाफ्ट वगैरह की कपलिंग की फ़िटिंग करेंगे, इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे, और इसके जो फाउंडेशन पे हम इसको अपनी जगह पे लेके आएंगे मोटर को। ये आप देख रहे हैं, ये कपलिंग बुश हैं, अब इनको हमने जो इंपेलर की कपलिंग है इसमें हमने फिट करना है। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको फाउंडेशन पे हम इसको अपनी जगह पे ले आए हैं तकरीबन। अब हम इसके जो बोल्ट है फाउंडेशन के बोल्ट वो फिट करेंगे, उसके बाद हम इसको कपलिंग के लेवल वगैरह इसके सारे चेक करके इसको हम प्रॉपर ये आप देख रहे हैं, जो हमारे फाउंडेशन बोल्ट हैं वो तकरीबन हमारे जो सामने आ चुके हैं। तो अब हम इनको बोल्ट लगाएंगे, मोटर हमारी तकरीबन अपनी जगह पे आ चुकी है। अब हम थोड़ी बहुत जो इसकी सेटिंग है वो हम इसके लेवल को देख के करेंगे। ये आप देख रहे हैं, अब हम इसकी जो कपलिंग है इसको अपनी जगह पे फिट करेंगे, उसके बाद हम इसके जो बोल्ट वगैरह वो टाइट करते हैं। अब हम इसके बोल्ट लगाएंगे सबसे पहले फाउंडेशन के,
मोटर अपनी जगह पे, फाउंडेशन पे हम इसके बोर्ड लगा के इनको टाइट कर देंगे। हम चारों बोर्ड लगाएंगे हम फाउंडेशन के। अब देख रहे हैं ये बोल्ट लगा है एक, और एक ये पीछे बोल्ट है इसके। इसी तरह इसके अपोजिट दो बोल्ट होंगे। अब हम इनको लगा के इसको टाइट कर देंगे। इसके नीचे हम शिलिंग वेयर है इसको लेवल को मेंटेन करने के लिए, पुलिंग जो कपलिंग की एडजस्टमेंट है लेवल की, उसकी अप डाउन वगैरह उसको हम जो उसका लेवल करते हैं उसके ज़रिए करते हैं। तो अब हम इसके जो फाउंडेशन वगैरह इसके बोर्ड लगाएंगे। जब हम इसके बोर्ड लगा रहे हैं तो ये चारों बोल्ट एक साथ में लगाएंगे हम, ताकि ये बाद में, और इनको हमने भी टाइट नहीं करना, इनको हम बस लगा के। तो अब हम इसके मोटर के लेवल वगैरह को सही करेंगे, उसके बाद हम इन बोल्ट्स को टाइट करेंगे। अब देख रहे हैं ये शिलिंग इसके नीचे जो हम इसको कहते हैं वो उसके नीचे लगाने के लिए भी रखी हुई हैं, स्ट्रिप्स वगैरह होती हैं लोहे की, तो इनसे हम इसके लेवल को अप डाउन करते हैं। तो अब हम इसके जो लेवल है अब हम इस पर तो दोस्तों अब हम इसके बुश वगैरह ये आप देख रहे हैं हमने इसमें लगा दिए हैं। और अब हम इसके जो लेवल है इसके दरमियान दोनों कपलिंग के दरमियान थोड़ा सा वक्फा होना चाहिए, बिल्कुल साथ नहीं जुड़ी होनी चाहिए। तो अब हम इसके जो कपलिंग की हल्की बोर्ड है हम इसके अब दूसरा बोर्ड लगा रहे हैं, तो ये हम बोर्ड लगा के इसको टाइट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पे फिट रहे। और इसके बाद हम इसके लेवल को हम चेक करेंगे कि इसका लेवल, कपलिंग वगैरह का लेवल बहुत ज़रूरी होता है, इसकी अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है कपलिंग की। सबसे जो मेजर इसमें अलाइनमेंट है वो इस कपलिंग की होनी चाहिए कि इंपेलर और जो मोटर की जो कपलिंग है इसका हमने लेवल प्रॉपर करना है। अब इसके जो किसी भी स्केल या किसी ऐसी जगह चीज़ जैसे वर्नियर वगैरह से हम इसको चेक करेंगे, इसमें बिल्कुल लेवल मेंटेन होना चाहिए। जो आपका लेवल है कपलिंग का, दोनों कपलिंग जो हैं पंप और मोटर की, इंपेलर और मोटर की, ये सेम एज इट इज़ वे में होने चाहिए। इससे तो बुश भी आपके जल्दी डैमेज नहीं होंगे और जो मोटर के अलाइनमेंट वगैरह, पंप के अलाइनमेंट वगैरह वो ख़राब नहीं होगी। तो अब हम इसको बड़ी एहतियात से इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी, अगर हमें इस साइड पे जो वो आपको पता चल जाएगा, अगर आप अलाइनमेंट करेंगे कहाँ से इसकी जो कपलिंग है वो आउट है और कहाँ से इन है, तो हम उस हिसाब से इसको लेवल मेंटेन करेंगे। तो इसको आप दोनों साइडों से और ऊपर से अगर आप इसकी अलाइनमेंट सीधी कर लेते हैं तो इसकी जो नीचे वाली साइड होगी उसकी भी अलाइनमेंट ये ठीक होगी। इसकी तीन साइड की हम अगर अलाइनमेंट सही कर लेते हैं तो इसकी जो अलाइनमेंट नीचे वाली भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। और इस कपलिंग की अलाइनमेंट हो चुकी है।
Thank you.